हाँ जी दोस्तों नमस्कार। तो पोको ने इंडिया में लॉन्च कर दिया है पोको M2 Pro। हालांकि ये रीब्रांडेड वर्जन है Redmi Note 9 Pro का, लेकिन अगर हम रीब्रांड को या फिर ट्रोल को एक बार भूल जाते हैं तो इसका जो प्राइस इंडिया में रखा गया है, मैं कहूँगा कि अच्छा प्राइस है और यह फ़ोन एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस हो सकता है। जी हाँ, जो बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है 4 GB RAM 64 GB स्टोरेज से, उसका प्राइस रखा गया है 13,999 रुपये, और जो 6 GB RAM वाला ऑप्शन है वो भी आपको 14,999 रुपये की प्राइस मिल जाता है। तो प्राइस नो डाउट आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अब इसका जो कंपटीशन है वो काफ़ी सारे डिवाइसेस से होता है। इनफैक्ट यहाँ पर जो पोको X2 है जो कि आपको करीब 17,500 रुपये की रेंज में देखने को मिलता है, तो वहाँ पर भी इन दोनों ही फ़ोन्स की प्राइसिंग में सिर्फ 2,500 रुपये का फ़र्क है। तो चलिए देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस हमको पोको X2 वर्सेस पोको M2 Pro में देखने को मिलते हैं। तो चलिए, अगर आप भी जाना चाहते हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल कि क्या आपको फ़र्क पड़ता है रीब्रांडेड होने से या फिर नहीं होने से, या फिर अगर प्राइस अच्छा आया है तो आप रीब्रांडेड को भूल जाएंगे? आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे रेडमी नोट 9 Pro यूजर्स के लिए तो बहुत दुख खबरी वाली बात है, क्योंकि सेम प्राइस में उन्होंने 33 वॉट की चार्जिंग को मिस कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही फ़ोन्स के डिस्प्ले की। जी हाँ, 6.67 इंचेस का स्क्रीन साइज आपको दोनों ही फ़ोन्स में देखने मिलता है। दोनों ही फ़ोन्स में एक IPS पैनल यूज़ किया गया है और फुल HD+ के रेजोल्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले के ब्राइटनेस की, तो दोनों ही फ़ोन्स में आपको 480 निट्स का ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर डिस्प्ले दोनों ही फ़ोन्स का बिल्कुल सेम है, लेकिन हाँ, एक छोटा सा डिफरेंस हमको देखने को मिल जाता है कि सिंगल पंच होल डिस्प्ले आपको देखने मिलता है पोको M2 Pro में, जबकि ड्यूअल पंच होल डिस्प्ले आपको देखने को मिल रहा है पोको X2 में। तो ये एक डिफरेंस है। और एक और डिफरेंस हमको यहाँ पे डिस्प्ले में देखने को मिलता है, वो है स्क्रीन का रिफ्रेश रेट। जी हाँ, पोको X2 में हमें 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, जबकि पोको M2 Pro में ये जो रिफ्रेश रेट है वो 60 हर्ट्ज़ का दिया गया है। यहाँ पे कोई भी हाई रिफ्रेश रेट का ऑप्शन हमको देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक डिफरेंस हमको देखने को मिलता है इन दोनों ही फ़ोन्स की डिस्प्ले में। अगर हम बात करते हैं रियर डिज़ाइन की, तो यहाँ पर आपको एक माइनर सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। स्क्वायर शेप का कैमरा आपको देखने को मिल रहा है पोको M2 Pro में, जबकि पोको X2 में ये हमें थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो लगभग आपको सेम ही देखने को मिलने वाली हैं। अगर हम बात करते हैं दोस्तों प्रोसेसर की, तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 730G चिपसेट हमको देखने को मिलता है पोको X2 में, जबकि स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट हमको देखने को मिल रहा है पोको M2 Pro में। इसका मतलब ये है कि एक स्टेप आगे है पोको X2। हालांकि यहाँ पे जब हमने स्नैपड्रैगन 720G वर्सेस स्नैपड्रैगन 730G को कंपेयर किया था, तो हमें बहुत ही माइनर सा डिफरेंस देखने को मिला था। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि जो परफॉर्मेंस होगी वो दोनों ही फ़ोन्स की हमें लगभग सेम सी देखने को मिलने वाली है। कोई बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर मैं बैटरी का परफॉर्मेंस कंपेयर करता हूँ स्नैपड्रैगन 720G वर्सेस स्नैपड्रैगन 730G, तो यहाँ पे मुझे डिफरेंस देखने को मिला था। और जो 720G है ये थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस देता है बैटरी के मामले में। जब हमने बैटरी का कंपेरिजन किया था कुछ फ़ोन्स का, तब हमें ऐसा कुछ देखने को मिला था। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि बैटरी परफॉर्मेंस बेटर होने वाला है पोको M2 Pro का। वैसे इसका एक और रीज़न है कि यहाँ पर जो बैटरी साइज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। जी हाँ, 5000 mAh का बैटरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है पोको M2 Pro में, जबकि पोको X2 में दिया गया है 4500 mAh का। इसके अलावा चार्जिंग स्पीड जो है वहां पे भी डिफरेंस है। जी हाँ, 33 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है पोको M2 Pro, जबकि पोको X2 सपोर्ट करता है 27 वॉट के फास्ट चार्जिंग को। तो ये डिफरेंस भी हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों इन दोनों ही फोन्स के कैमरा की, तो दोनों ही फोन्स में क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस आपको देखने को मिलता है कैमरा सेंसर में, 48 MP का प्राइमरी सेंसर आपको देखने को मिलता है पोको M2 Pro में, जबकि X2 में ये दिया गया है 64 MP का। लेकिन जो बाकी तीन सेंसर हैं, अल्ट्रावाइड सेंसर, मैक्रो सेंसर और डेप्थ सेंसर, ये तीनों ही सेंसर दोनों फ़ोन में बिल्कुल सेम हैं। तो यहाँ पर जो प्राइमरी सेंसर होगा वहाँ पे हमें ज़रूर डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो 16 MP का फ्रंट कैमरा पोको M2 Pro में, जबकि 20 MP का फ्रंट कैमरा पोको X2 में। तो ये एक डिफरेंस हमको और देखने को मिलता है इन दोनों ही फ़ोन्स के कैमरा का। बात करते हैं दोस्तों सिक्योरिटी की, तो दोनों ही फ़ोन्स में आपको ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा और फेस अनलॉक का फीचर भी यहाँ पे दिया गया है। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ UI की, तो दोनों ही फ़ोन्स काम करते हैं MIUI 11 के साथ में, जो कि बेस्ड है Android 10 पे। और क्योंकि ये पोको की ब्रांडिंग के साथ में आता है, तो यहाँ पर आपको पोको का लॉन्चर भी देखने को मिलने वाला है।
तो दोस्तों अगर हम डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं पोको X2 वर्सेस पोको M2 Pro में, तो यहाँ पर बैटरी और चार्जिंग स्पीड में आपको बेटर देखने को मिलने वाला है पोको M2 Pro। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करता हूँ डिस्प्ले की, या फिर अगर मैं बात करता हूँ परफॉर्मेंस की, या फिर अगर मैं बात कर रहा हूँ कैमरा की, तो वो हमें बेटर देखने को मिलता है पोको X2 में। तो मुझे लगता है कि अगर आपका बजट है 15,000 रुपये से नीचे का, तो नो डाउट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है पोको M2 Pro, एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाहते हैं 2,500 रुपये, तो फिर आप पोको X2 पे जा सकते हैं, ये इसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। बाकी दोस्तों इनका डिटेल कंपैरिजन और कुछ और कंपैरिजन वीडियो आपको देखने को मिलने वाले हैं कुछ और फ़ोन के साथ में, तो उसके लिए आप स्टे ट्यून कर सकते हैं चैनल को। बाकी आज का अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसा ही और वीडियोज़ देखना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें, और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।